नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आईपीएल में सबसे कम स्कोर का बचाव करने वाली कौन सी 5 टीमें हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप आईपीएल को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि T20 क्रिकेट और खासकर आईपीएल में हर टीम की कोशिश होती है कि अगर वो पहले बल्लेबाजी करे तो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पर दर्ज करे। इसकी वजह यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग में 200 से ज़्यादा रन के लक्ष्य को भी पार किया गया है। ऐसे में अगर कोई टीम कम रन बनाती है तो उसका बचाव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर टीम में विस्फोटक बल्लेबाज शामिल होते हैं और उन पर बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी होती है। इन हालात में बड़े स्कोर बनाना नामुमकिन नहीं है, यहाँ कम रन बनाना हार को दावत देने जैसा है। हालांकि कहा जाता है ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है, यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आईपीएल इतिहास में कई मौके ऐसे भी आए जिसमें कि किसी टीम ने कम स्कोर बनाकर भी मैच को जीत लिया था। अगर पहले खेलते हुए कोई टीम कम रन बनाए तब जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर, फील्डर्स पर आ जाती है। टीम के नियुक्त प्रयास से हर नामुमकिन भी मुमकिन चीज़ हो जाती है। दोस्तों बात की जाए आईपीएल में सबसे कम स्कोर को बचाने के रिकॉर्ड में दोस्तों कौन सी 5 टीमें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कम स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया था। दोस्तों साल 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब, जो अभी पंजाब किंग्स है, उसके बीच में मैच खेला गया था, जिसमें कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 116 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की बात की जाए तो रन चेस के लिए उतरी पंजाब किंग्स सिर्फ 92 रन ही बना सकी 8 विकेट के नुकसान पर, और दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब हार गई थी यह मैच। तो दूसरा कम स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में साल 2018 में यह मैच खेला गया था, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गई थी। उसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने 87 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर, और दोस्तों मुंबई इंडियंस यह मैच हार गई थी। इसके बाद दोस्तों तीसरे कम स्कोर की बात की जाए तो तीसरा कम स्कोर किंग्स इलेवन पंजाब ने बनाया था। दोस्तों बात की जाए साल 2009 में पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में यह मुकाबला खेला गया था, जिसमें कि दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, और दोस्तों उसके जवाब में मुंबई इंडियंस 116 रन ही बना सकी थी 7 विकेट के नुकसान पर, और दोस्तों मुंबई इंडियंस यह मैच हार गई थी। इसके बाद दोस्तों चौथे कम स्कोर की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था, जिसमें कि दोस्तों 119 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने यह स्कोर बनाया था। दोस्तों साल 2013 में सनराइजर हैदराबाद वर्सेस पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ यह मैच हुआ था, जिसमें कि दोस्तों सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया ने 108 रन ही बनाए थे और ऑल आउट हो गई थी, और दोस्तों यह मैच साल 2013 में खेला गया था, जिसमें सनराइजर हैदराबाद ने बड़ी आसानी से यह मैच जीत लिया था। दोस्तों नंबर 5 पर कम स्कोर है मुंबई इंडियंस का। दोस्तों बात की जाए साल 2012 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ मुंबई इंडियंस मैच खेल रहा था, जिसमें दोस्तों मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, और दोस्तों उसके जवाब में पुणे वॉरियर्स इंडिया 119 रन बना सकी थी 6 विकेट के नुकसान पर, और दोस्तों मुंबई इंडियंस ने यह मैच 1 रन से जीत लिया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूं।